प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बनारस, तो थोड़ी देर पहले पहुंच चुके थे, लेकिन जहां पर मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है जिसका माल्यार्पण वो करने वाले हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद आप उनकी पहली झलक देख पाएंगे जी बिजनेस के जरिए, और ये लगातार जो हम मेगा कवरेज अपनी जारी रखे हुए हैं उसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीरें, फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी, उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और जो कार्यक्रम, जैसे हमने आपको लगातार बताया, सबसे पहले मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद और रोड शो उनका शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हुए पहुंच चुके हैं। कल सुबह 11:30 बजे उनका नॉमिनेशन है, नामांकन पत्र भरेंगे वाराणसी से। पिछली बार दो जगह से सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार सिर्फ बनारस की धरती को उन्होंने चुना है और कहा है कि माँ गंगा ने फिर से बुलाया है। बिल्कुल, और आज का जो पीएम मोदी का पूरा चुनावी कार्यक्रम है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी आज काफ़ी बिजी दिखे हैं पूरे चुनावी कार्यक्रम में। इससे पहले दरभंगा में थे, वहाँ पर उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, अब बनारस पहुँच चुके हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं पीएम मोदी, और पूरा जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा पड़ा है पीएम मोदी के दीदार के लिए। तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और पीएम मोदी की बनारस यात्रा पर सबसे बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। और पीएम मोदी का आज का ये वाराणसी का दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि आज ही पीएम मोदी के रोड शो से ठीक पहले, पीएम मोदी की इस यात्रा से ठीक पहले, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनावी मैदान में नहीं होंगी, अजय राय को टिकट दिया गया है। तो रोड शो से ठीक पहले बैकआउट करना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि कांग्रेस को इस बात का आभास हुआ है कि पीएम मोदी के सामने प्रियंका को उतारना ठीक नहीं होगा, इससे पार्टी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसान का खतरा यहाँ पर दिख सकता है। तो ये आप देख पा रहे तस्वीरों के जरिए, पूरा जनसैलाब वहाँ पर उमड़ा पड़ा है, और अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी का रोड शो भी शुरू होगा, और रिपोर्टर भी हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं वहाँ से लगातार, हम उनको भी सुनते हैं बीच बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सीढ़ियों से उतर रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से माल्यार्पण करने के बाद। इस वक्त अनिल जैन ने उन्हें हाथों में गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां दी हैं, जो उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर बौछार की है, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं अब रोड शो के लिए। तो आज ये ऐतिहासिक तस्वीरें नरेंद्र मोदी की, 2014 में एक बार रोड शो किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नामांकन करने आए थे, और दूसरी बार भी जब नामांकन करने प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। तो ये है यहाँ की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं लंका गेट से। इस वक्त आप इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के पास सीधे पहुंच चुके हैं, अपने काफिले में सवार होने से पहले हाथ हिलाकर चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भारी तादाद में यहां पर मैं मोबाइल हाथ में देख पा रहा हूं लोगों के, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, क्योंकि काशी की जनता के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। और भीड़ आप देखिए किस कदर यहाँ पर पीएम मोदी की दीवानी नजर आ रही है, चारों तरफ सिर ही सिर आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुली अपने जो उनका काफिले की जीप है उसमें एसपीजी सुरक्षा के बीच में खड़े हो चुके हैं। और पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत इसी के साथ लंका गेट से हो चुकी है। पीएम मोदी के ठीक पीछे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रथ है, जिसपे कई और अति विशिष्ट अतिथि मौजूद है। संजय निषाद है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी पीएम मोदी के ठीक दूसरी गाड़ी में मौजूद है खुले रथ में। और पीएम मोदी ने रोड शो की शुरुआत कर दी है, ऐतिहासिक पल है ये, क्योंकि काशी से ही नरेंद्र मोदी आगे के चार चरण के चुनाव की तस्वीर बदल देंगे, ऐसा दावा बीजेपी का है। और आप देखिए नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो गया है, 7 किलोमीटर लंबा रोड शो है, लेकिन भीड़ देखकर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है कि आखिरकार 7 किलोमीटर लंबे इस रोड शो को पीएम मोदी कितनी देर में तय कर पाएंगे। और जो दूसरा रथ है, मैं दूसरे रथ की तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, जिसपे अनुप्रिया पटेल, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, महेंद्र नाथ पांडे, संजय निषाद, नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, लक्ष्मण आचार्य, जो बीजेपी की कोर कमेटी यहाँ पर है,
वो इस वक्त मौजूद है। और एक तरह से इस रोड शो के जरिए अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको शब्दों में बयां करूं, तो जातीय समीकरण भी पूर्वांचल का साधने की पूरी कोशिश बीजेपी ने की है। कुर्मी वोट बैंक के तौर पर अनुप्रिया पटेल को इस रथ पर जगह मिली है। निषाद वोट बैंक की अगर हम बात करें, उसके लिए संजय निषाद को मंच पर जगह दिया गया है। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद है। महेंद्र नाथ पांडे, जो कि ब्राह्मणों का चेहरा है, पूर्वांचल ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है, उन्हें इस रथ पर जगह दी गई है। तो मोदी के इस रोड शो में पूरा ताना बाना विकास के साथ साथ जातीय समीकरण पर भी विशेष ध्यान रखा है बीजेपी ने। और आप देखिए, चारों तरफ सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे, लोग के हाथों में बीजेपी का झंडा नजर आएगा, मोदी के बड़े कटआउट आपको नजर आएंगे, और हर कोई एक सेल्फी भले ही दूर से ही सही नरेंद्र मोदी की ले लेना चाहता है, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। और मोदी के रोड शो की शुरुआत इसी के साथ हो चुकी है। खास बात यह है कि बीच रास्ते में कई मुस्लिम महिलाओं ने भी स्वागत की तैयारी कर रखी है, बंधन सूत्र बांधने की तैयारी है मुस्लिम महिलाओं की तरफ से। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। सियासत, अध्यात्म और एक तरह से ग्रैंड रोड शो, पूरा एक मिश्रण आपको बनारस की गलियों में देखने को मिलेगा। और यहीं से बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले चार चरणों की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि इन्हीं चार चरणों में सपा बसपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है जातीय समीकरण के आधार पर। तो क्या पीएम मोदी का ये रोड शो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जातीय समीकरण को ध्वस्त कर देगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन भीड़ आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर नजर आ रहे होंगे। और अभी रोड शो शुरू हुए 5 मिनट का वक्त बीता है, महज 10 से 20 मीटर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच पाया है। और इसी के साथ आप देखिए कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार रोड शो शुरू हुआ है, मोदी काफी आगे जा चुके हैं, और इसके साथ में ही लोगों की भीड़, लोगों का जो हुजूम है, वो भी पीएम मोदी के पीछे पीछे फिलहाल चल रहा है। और इस तरह का नज़ारा पूरा हमें दशाश्वमेध घाट तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बनारस बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस की आन बान शान है, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो की शुरुआत की है। मुझे याद है 2014 में भी पीएम मोदी का कुछ इसी तरह का रोड शो था, 5 लाख के आसपास भीड़ का दावा बीजेपी ने उस वक्त किया था, और इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि लगभग 6 लाख की भीड़ पीएम मोदी के रोड शो में होगी। तो बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए। और साफ तौर पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर, घाट घाट पर जी न्यूज़ की टीम मौजूद है। सबसे बड़ी कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ पर ही देखेंगे। लगातार भीड़ देखिए, लोगों में उत्साह देखिए,